सब्सक्राइब करें मेरे चैनल माय डीआईवाई हब को और मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय डीआईवाई हब। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आप घर पे नेचुरल तरीके से हर्बल फेस वॉश बना सकते हैं। जी हाँ, बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि घर पे हर्बल फेस वॉश बनाना सिखाएं। ये फेस वॉश एक्ने प्रोन ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल सूटेबल है। इनफैक्ट ये सारे स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। मैं आगे आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें आपको डालनी चाहिए किस स्किन टाइप के लिए और कौन सी चीज़ें आपको नहीं डालनी चाहिए। तो ये बिल्कुल कस्टमाइजेबल है और समर्स के लिए तो ये हर्बल फेस वॉश बिल्कुल परफेक्ट है। ये एक हर्बल फेस वॉश है तो इसमें सारे जो मैं इंग्रेडिएंट्स यूज करूंगी वो प्लांट बेस्ड होंगे। जी हाँ, प्लांट बेस्ड। जैसे अगर आप चाहे तो उसमें मुल्तानी मिट्टी डाल सकते हैं, बट वो प्लांट बेस्ड नहीं है। तो अगर आपको प्योर हर्बल फेस वॉश बनाना है तो आप उसमें सिर्फ हर्ब्स यानी प्लांट बेस्ड चीजें डालें। इंग्रेडिएंट्स आपको इसके इजीली मिल जाएंगे। अगर आपको इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलते हैं तो फिर आप ऑनलाइन भी उन्हें खरीद सकते हैं, जिनके सारे परचेज लिंक्स की डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एज यूजुअल। इसके अलावा मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, जहां आप मेरे साथ अगर कॉन्टैक्ट करना चाहें तो ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि मैं सारे कॉमेंट्स का जवाब नहीं दे पाती। तो प्लीज़ लाइक माई फेसबुक पेज। इस फेस वॉश को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पुदीने का पेस्ट लिया है। मिंट लीव्स को मैंने अच्छे से धो लिया, उसके बाद उसका एक फाइन पेस्ट बना लिया मिक्सर ग्राइंडर में। अगर आप चाहें तो मिंट पाउडर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है तुलसी का पाउडर यानी होली बेजल पाउडर। अगर आपके पास तुलसी का पाउडर नहीं है तो जिस तरह से मैंने मिंट पेस्ट बनाया है, आप उसी तरह से फ्रेश तुलसी से पेस्ट बनाकर यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगा नीम का पाउडर। अगेन इसका भी वही लॉजिक है कि अगर आपके पास फ्रेश नीम लीव्स है तो आप उसको धो के अच्छे से उसका पेस्ट बनाकर यूज कर ले। फिर मैंने यहाँ पे लिया है सैंडलवुड पाउडर यानी चंदन का पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पर समर्स है तो मैं बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्किन कूलेंट और स्किन सूदर है। इन सबको एक फेस वॉश फॉर्म में लाने के लिए एक हर्बल जेल की जरूरत है, तो एलोवेरा जेल से बेटर और क्या होगा। यहाँ मैंने पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज किया है। आप चाहे तो पौधे से भी डायरेक्टली जेल यूज कर सकते हैं। फेस वॉश बनाने के लिए हमें उसे थोड़ा और लिक्विफाई करना होगा, जिसके लिए मैंने हर्बल रोज वाटर का इस्तेमाल किया है। जी हाँ, रोज वाटर हर्बल ही होता है। अगर आप चाहें तो फिल्टर्ड वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने लिया है बादाम का तेल। अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप स्किप कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन स्किन वाले थोड़ा कम डाल सकते हैं, पर स्किप ना करें पूरी तरह से। और अगर ड्राई स्किन है तो जितना मैं डाल रही हूँ उतना ही डालें। जिनकी स्किन ऑयली और एक्ने प्रोन है बिल्कुल सेंसिटिव सी, तो वो टी ट्री ऑयल ज़रूर डालें इसमें। इसमें नीम ऑलरेडी है तो अगर आपके पास टी ट्री ऑयल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा रिकमेंडेशन है कि टी ट्री ऑयल आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए अगर आपको पिंपल्स और एक्ने का प्रॉब्लम है। मेरा जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको अपने फेस वॉश में झाग चाहिए यानी कि फोम चाहिए अगर, तो आप ये एक बेबी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं या फिर बेबी बॉडी वॉश, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है। इसमें इतने हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते एज कम्पेयर टू अदर सोप्स एंड फेस वॉशेस, तो वो आप पे है कि आप इसे डालना चाहते हैं कि नहीं। लास्टली मैंने ले लिया है एक कंटेनर जिसमें मैं अपना फेस वॉश स्टोर करूँगी। अगर आपको अपने फेस वॉश को ड्राई फॉर्म में बनाना है तो इसमें कोई भी लिक्विड ना डालें अभी, बस ड्राई फॉर्म। अब आइए देखते हैं कि इस हर्बल फेस वॉश को घर पे कैसे बनाना है। सबसे पहले क्लीन बोल ले और उसमें एक बड़ा चम्मच पुदीने का पेस्ट डाल दे। इसके बाद एक बड़ा चम्मच आप डाल दे तुलसी का पाउडर एंड देन डाल दे एक बड़ा चम्मच नीम पाउडर। फिर मैंने दो छोटे चम्मच चंदन पाउडर के डाल दिए हैं इसमें और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अभी ये अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें बस एक वेट इंग्रेडिएंट है। इसमें धीरे धीरे मैं और वेट इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। एक छोटा चम्मच मैंने इसमें डाला है बादाम के तेल का, और अगर आपकी स्किन ऑयली है आप स्किप कर दें इसे। कॉम्बिनेशन है तो थोड़ा कम डालें पर ज़रूर डालें। दो बड़े चम्मच एलोवेरा जेल के डाल दिए हैं मैंने अब इसमें, और अब देख सकते हैं कि अब अच्छे से मिक्स होने लगा है। इसके बाद मैं इसे थोड़ा लिक्विफाई करूंगी रोज वाटर डाल के। आप चाहे तो फिल्टर वाटर भी यूज कर सकते हैं, पर रोज वाटर हर्बल है इसीलिए मैंने डाला, और मैं इसे अब अच्छे से मिक्स कर लूंगी। सारी चीजें जब आपस में अच्छे से मिल जाए तो आप प्लीज उस कंटेनर में उस बनाए हुए मिश्रण को डाल लें, और आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी जगह बची हुई है। तो अब मैं इसमें ये बेबी शैम्पू डाल दूंगी झाग के लिए, पर ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं केमिकल फ्री बनाना बिल्कुल तो आप मत डालें, बट बहुत माइल्ड केमिकल्स होते हैं बेबी शैम्पू या बेबी सोप में, तो आप यूज कर सकते हैं ताकि ये आप एक जनरल फेस वॉश की तरह यूज कर पाए। इसे हर बार यूज करने से पहले अच्छे से इसको हिला लें। ये देखिए टी ट्री ऑयल मैंने इसमें नहीं डाला है क्योंकि मुझे एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको है तो आप जरूर डालें, और अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें नीम है, लेकिन टी ट्री ऑयल डालेंगे तो और ज्यादा इफेक्टिव होगा। एनीवे बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप ये फेस वॉश डेली सुबह और शाम को यूज करें। इवन जिनकी एक्ने प्रोन स्किन नहीं है वो भी इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे हर्ब्स है, जैसे मिंट है, तुलसी है, नीम है, और ये सब स्किन के लिए जनरली भी अच्छा है। इसमें सैंडलवुड भी है जो आपके कॉम्प्लेक्शन को लाइटन करने में हेल्प करता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय गाइज़।